हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक बहुत बड़ी खबर जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बीएड और बीटीसी के जो छात्र हैं वो बीपीएससी टीआरई का जो 1 से 5 का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट पर रोक लगवाने के लिए, उस रिजल्ट को रद्द करवाने के लिए जो छात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाले हैं। हालांकि मामला क्या है इसको हम यहाँ पर बताएंगे। आपको पता होना चाहिए कि 18 तारीख को यानी कि 18 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हो जाता है बीपीएससी टीआरई 125 के लिए, ठीक है। लेकिन उस रिजल्ट में हुआ क्या कि बीएड वाले छात्रों को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के छात्रों को जो है इसमें शामिल किया। और उन्होंने कई सारे रीजन भी बताया कि जो है यहाँ पर देवेश शर्मा का जो यहाँ पर केस है उनको भी यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया, भगवान कृष्णा का भी इन्होंने केस का जो है जिक्र किया और बताया कि इसमें यही कहा गया है कि जो बीएड है वो पीआरटी के काबिल नहीं है, इसलिए इनका रिजल्ट हम जारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें बीएड वाले छात्र क्या है वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि अभी दीपांकर गौरव वाला जो केस है उसकी सुनवाई अभी पूरी भी नहीं हुई है। इस वजह से वो चाह रहे थे कि जब तक सुनवाई नहीं हो रही तब तक कम से कम हम लोगों का तो रिजल्ट में नाम होता, तो अगर हम लोगों का नाम नहीं है तो फिर इस भर्ती पर रोक लगनी चाहिए, जब तक वो मामला फाइनल नहीं हो जाता तब तक इस पर स्टे लगाया जाए। ये बीएड वाले छात्रों का तर्क है। वहीं पर जो डीएलएड के छात्र हैं वो ये कह रहे हैं, जिनका नंबर थोड़े 2, 3, 4, 6 नंबर से रुक गए हैं, वो सारे छात्र ये कह रहे हैं कि इसमें जो रिजल्ट है वो सीटेट अपेयरिंग वालों का भी रिजल्ट इसमें शामिल कर दिया गया है। और बहुत सारे छात्र हैं जो सीटेट में फेल कर चुके हैं, तो अगर वो सारे के सारे छात्र फेल कर गए हैं तो ऐसे में जो है रिजल्ट को फ्रेश तरीके से निकाला जाए, या फिर अगर ये रिजल्ट निकाला जा रहा है तो जो लोग फेल हो चुके हैं उन लोगों को बाहर करके इसको निकाला जाए ताकि सीटें जो है एक भी बेकार ना जाए। हालांकि यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपने अपने तरीके से पॉइंट रख रहे हैं, अभी अपनी याचिका में क्या क्या पॉइंट रखते हैं, इसकी सुनवाई में क्या होगा वो तो फिलहाल फ्यूचर में ही पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए यही जो सुनने में आ रहा है कि जो बीएड और बीटीसी के जो छात्र हैं वो एक साथ मिलकर जो है यहाँ पर स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाने वाले हैं। उम्मीद है कि आज जो है ये याचिका पढ़ भी जाएगी, अगर आज पढ़ जाएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा शाम को, अगर नहीं पढ़ेगी तो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। वैसे उम्मीद है कि आज याचिका पढ़ जाएगी, हाँ हो सकता है किसी कागज की वजह से डॉक्यूमेंट्स की वजह से ना पढ़ पाए तो कल तक पढ़ जाएगी, लेकिन याचिका की तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए छात्र और कहीं ना कहीं जो है अब बीपीएससी पर संकट मंडराने शुरू हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल ये थी अपडेट, बाकी पूरी अपडेट जैसे ही आएगी मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।